हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज बहुत ही यूजफुल मैं वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मुझे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं अबाउट हेयर ग्रोथ से रिलेटेड। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने शॉर्ट हेयर कराए थे, बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं। तो कैसे आप हेयर ग्रोथ कर सकते हैं, प्लस आपके नेचुरल हेयर कैसे आप ब्लैक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, जैसे कि आपको, आप मेरे अगर पिछली वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है मैंने हाईलाइट करवाया हुआ है। तो नेचुरली ब्लैक अपने हेयर कैसे कर सकते हैं जिनके बाल कम उम्र में वाइट हो चुके हैं और छोटी एज में वाइट हो चुके हैं, वो नेचुरली ब्लैक कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। एक बहुत ही यूज़फुल ऑयल है जो आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके हेयर ब्लैक और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ होगी। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक रेमेडी जिससे आपके बाल नेचुरली काले हो जाएंगे और आपकी जो हेयर ग्रोथ है, जिनकी ग्रोथ नहीं होती, पतले बाल हैं और उनके बाल लंबे भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तेल है और जो कि कलौंजी तेल है। कलौंजी बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, बाल के लिए जितने बाल बालों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करता है वह कलौंजी तेल। तो इसको नेचुरली जो पहले पुराने टाइम्स में, आज भी कलौंजी से तेल निकाल कर स्पेशली बनाया जाता है और उसमें भी काफ़ी कुछ ऐड किया जाता है, बट आपको नेचुरली एक ये बॉटल मिल रही है जो कि आपको, ये आप ऑनलाइन में मंगा सकते हैं। इसको मंगाने के लिए नीचे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील में ये अवेलेबल है। और इसका प्राइस क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है नेचर श्योर का, देख पा रहे होंगे आप, तो ये है नेचर श्योर का कलौंजी तेल और ब्लैक सीड ऑयल बोलते हैं जिसको, और इसको बहुत ही यूज़ किया जाता है बालों को काले करने के लिए। और तो ये बॉटल आपने रेगुलर अप्लाई करनी है तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इसमें क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर ये जो बॉटल है ये 100% प्योर है, एंड इसमें ये 110 ml की ये बॉटल है। ये बहुत ही यूज़फुल है, इसके ऊपर ओवरऑल आपको सब कुछ मेंशन है। ये डायबिटीज़ के लिए, डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, आइज़ के लिए, जॉइंट पेन के लिए और हार्मोन्स को ट्रीट करने के लिए और बूस्ट एनर्जी के लिए, अस्थमा, कैंसर वगैरह के लिए भी बहुत ही यूज़फुल ऑयल है। और इसके बहुत सारे यूज़ेस हैं जो कि आपको इसके मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आज आपको, आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर पे आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पूरा रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसका प्राइस वगैरह। तो ये देखिए, ये है नेचर श्योर का कलौंजी तेल जिसको ब्लैक सीड ऑयल बोला जाता है, और ये 100% प्योर है और ये क्लिनिकली टेस्टेड है, इस पर ये हॉलमार्क लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे डिजीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है और स्पेशली हेयर के लिए यूज़ किया जाता है, हार्ट, किडनी के लिए यूज़ किया जाता है, हेडेक अगर आपके हो रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट पेन पे, क्रैम्प्स पर आप यूज़ कर सकते हैं, स्किन के लिए कोई स्किन डिजीज़ हो गई है तो उस पर आप यूज़ कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं हेयर डिजीज़ के लिए। तो यहाँ पर पीछे इसमें क्या क्या इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो आप इसको आउटर अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं, प्लस आप डॉक्टर की सलाह से इसको ले भी सकते हैं, मतलब कलौंजी तेल यूज़ भी किया जाता है खाने में भी। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसका जो प्राइस दिया हुआ है ये 309 है, और जो कि यहाँ पर जो जून 2019 की यहाँ पर मैन्युफैक्चर है और 2022 तक ये एक्सपायर है, तो आपको 2 ईयर का गैप मिल जाता है। तो अंदर से यहाँ जब बॉटल खोलेंगे तो ये कुछ इस टाइप की बॉटल है, ग्रीन कलर की, एकदम डार्क ग्रीन कलर की है, और ये प्लास्टिक की है, वो कांच वगैरह की नहीं है कि टूटने का डर हो, तो ग्लास की नहीं है, तो ये कांच की है। ये आपको मैं प्रेस करके भी दिखा रही हूँ यहाँ पर,
तो ये बहुत ही इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और ट्रैवल फ्रेंडली है, इजीली ओपन हो जाती है। और यहाँ पर छेद करना होता है तो इसको आप छेद कर सकते हैं, जितना आपने बड़ा करना उतना आप कर सकते हैं। और इस बहुत ही यूज़फुल है। इसके इसको कहाँ पे अप्लाई करना है मैं आपको एक इसकी हेयर से रिलेटेड एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं विटामिन ई का एक कैप्सूल ले रही हूँ, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं विटामिन ई का कैप्सूल। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इवोन 400 ले रही हूँ, आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये रेमेडी के लिए सबसे पहले मैंने एक ग्लास का बाउल लिया, और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कलौंजी तेल, जो कि मैंने नेचर श्योर का आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया। और आप इसको ये बहुत ही मतलब थिक है, मतलब ज़्यादा पतला नहीं है ऑयल, तो इसमें कलौंजी की एकदम जैसे कलौंजी की फ्रेगनेंस आ रही है वो पूरी की पूरी इसमें आ रही है। थोड़ा सा ये देखिए इस टाइप का है, थोड़ा सा ब्लैक कलर में है ये। और अभी जितने आपने हेयर पे अप्लाई करना है उतना आप इसको ले सकते हैं, अगर आपके लॉन्ग हेयर है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, और इसकी जो विटामिन ई है का ऑयल है वो इसके अंदर डालना है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है, उसके बाद अपने हेयर पर अप्लाई करना है। और ये जो ऑयल है कलौंजी तेल, ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं डायरेक्टली, और बहुत ही ईजिली आपको आपके घर पे मिल जाएगा। तो आप ज़रूर इसको बाय कर लीजिए। आप अगर आपके हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ये इससे रिमूव हो जाएगी। तो ये देखिए, अब मैं इन दोनों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और इसको अपने हेयर के ऊपर अप्लाई करना है। हेयर के ऊपर अप्लाई करने का भी वे तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस टाइम। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे ब्यूटी वाले चैनल पर ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जब भी आपने हेयर ऑयल यूज़ करना है मैं आपके साथ वहाँ पर उस चैनल में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ रिलेटेड टू ब्यूटी, हेयर एंड आपकी स्किन रूटीन, एवरीथिंग। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जब भी आपने अप्लाई करना है अपने जो फिंगर की टिप्स की हेल्प से आपने हेयर ऑयल अप्लाई करना है अपने हेड एरिया पर, और डिवीज़न करते जाना है टू टू फिंगर्स का गैप करते हुए, और इसको अप्लाई करना है। तो ओवरऑल अपने हेयर के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। और ये ऑयल मतलब अगर आप इसको रेगुलरली अप्लाई करेंगे 1 मंथ में ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अगर आप इसको रेगुलर अप्लाई करेंगे, वीक में 3 टाइम्स आप अप्लाई करते हैं, तो आपको रिजल्ट आपके सामने ही नज़र आएगा। तो ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए और एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लीजिए। तो बहुत ही यूज़फुल ऑयल है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपने ट्राई नहीं किया है। तो इसको मैंने अभी 2-3 टाइम्स ही अप्लाई किया है, तो मुझे इसका बेस्ट रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो जिनके बाल रेगुलर झड़ते हैं, वाइट हेयर्स हैं, काले करने चाहते हैं, वो इसको ज़रूर रेगुलर अप्लाई कीजिए, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और विद इन 1 मंथ में ही आपको, 1 वीक अगर आप इसको अप्लाई करके देख लेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि क्या इसके रिजल्ट्स हैं। तो 1 मंथ के अंदर आपके बाल एकदम काले हो जाते हैं अगर आप इसको रेगुलर अप्लाई करते हैं। तो होप आपको आज का इसका डेमो, इसका रिव्यू, प्लस आपको साथ में जो मैंने आपको रेमेडीज शेयर किए हैं वो आपको अच्छी लगी हो। और इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आप हेयर पे अप्लाई करना चाहते हैं, और भी इसके यूजेस हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर देखिए। और आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब बॉक्स को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।